ठीक से साधना करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन रोने की प्रैक्टिस करना कैसे है, एक ट्रॉफी उठाने की प्रैक्टिस करने जैसे, तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं। तो वो सहजिया है, तो जो प्राकृत सहजिया अवधूत बनना चाहते हैं तो और तुकाराम महाराज, वो भी एक अवधूत। और आज जो है, आज क्या है, तुकाराम बीज, तो इसलिए हम तुकाराम महाराज के बारे में भी थोड़ा कहेंगे। तुकाराम बीज यानी इस आज के दिन वो वैकुंठ गमन हुआ उनका, वैकुंठ गए वो, तो आज का दिन वो जो है तुकाराम बीज बोलते हैं। और जो देहू में आज बहुत सारे यानी हर साल लाखों लोग आते हैं उधर वो पेड़ को देखने के लिए। अभी पैंडेमिक में पता नहीं क्या है कोरोना में, लेकिन सिचुएशन, लेकिन तुकाराम बीच के टाइम बहुत सारे लाखों लोग आते हैं उधर। और मैं भी एक बार गया था, वो बोलते हैं कि जो पेड़ है जिसके जहाँ पे उन्होंने कीर्तन किया था और फिर वैकुंठ से प्लेन आया था, तो वो पेड़ अभी भी वो पेड़ है। तो जो तुकाराम बीच के दिन एग्जैक्ट 12 बजे दोपहर को जब तुकाराम महाराज गए तो वो पेड़ हिलता है, तो मैं भी सोचा मैं जाता हूँ देखने के लिए पेड़ हिलता है। तो एक बार गया था हमारा, तो ऑफकोर्स मुझे दिखा नहीं, तो मैंने एक वारकरी को पूछा वो कैसे पेड़ दिख नहीं रहा है, हिलता है नहीं, कैसे 12 बज गए अभी। बोले जो भाग्यवान होते हैं उनको ही दिखता है। मैं भाग्यवान नहीं लेकिन हम भाग्यवान है कि तुकाराम महाराज के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तो तुकाराम महाराज का जो जन्म है 1608 में हुआ और वो भगवत धाम कब गए, 1650, यानी कितने साल, 42 साल वो जी। और उनके जो पेरेंट्स, उनका नाम बोलोभा एंड कनकाई, बोलोभा पिताजी और कनकाई उनकी माता। और उनके जो भाई थे साऊजी और दूसरा था कान्हा, साऊजी बड़े भाई थे और कान्हा कान्होबा वो छोटे भाई थे। तो साऊजी जो थे उन्होंने पहले ही संन्यास लेके वो चले गए, और कान्हा जो छोटा था इसलिए तुकाराम महाराज को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और उनके जो एंसिस्टर यानी पूर्वज विश्वंभर बुआ, जो कि बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, और वो हर एकादशी को पंढरपुर जाते थे। सोचिए हर एकादशी पंढरपुर, बस से नहीं पैदल पैदल जाके हर एकादशी को। और उनके लिए जो आज जो उधर विठ्ठल रुक्मिणी के विग्रह है उनके लिए प्रकट हुए थे, विश्वंभर के लिए हम देखते हैं देहू में। तो जो तुकाराम का जो नाम है, नामकरण रुक्मिणी ने खुद किया था, जब उनकी माता लेके गई थी मंदिर में तुकाराम को, जो वो छोटे थे, तो तभी रुक्मिणी ने खुद उनका नामकरण किया, उनका नामकरण किया तुकाराम। तुकाराम यानी जो दूसरों को मुक्ति प्रदान करता है, उन्हें कहते हैं तुकाराम, तुकाराम महाराज, वन हू गिव्स सेल्वेशन टू अदर्स। सो साक्षात रुक्मिणी माता ने उनका नामकरण किया। तो कुछ लीलाएं देखेंगे कैसे तुकाराम महाराज अवधूत थे थोड़े बहुत। तो ये जो प्रसंग है, जब तुकाराम महाराज भंडारा के डोंगर पे 15 दिन कठोर तपस्या करने जाते हैं और फिर 15 दिन के बाद नीचे आते हैं, उनको वहाँ पे विठ्ठल का दर्शन भी होता है। विठ्ठल उनको बोलते भी है कि आप अभंग की रचना करो, अभंग जो भंग नहीं होते ऐसे, अभंग, तो उनकी रचना करो। तो फिर तुकाराम महाराज जब नीचे आते हैं तो उनके भाई वगैरह वो जो कान्होबा वो उनको ढूंढते हैं और बोलते कि चलो घर पे चलो, इतने दिन आप 15 दिन कहाँ पे थे। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं मैं घर नहीं आऊँगा। क्यों? क्योंकि उनका जो एक्चुअली बिजनेस था उनके पिताजी और उनके पूर्वज का, वो साहूकारी, साहूकारी यानी वो लोन देते थे और लोगों को लोन देते थे और फिर बाद में लोग उनको इंटरेस्ट के साथ वो देते थे। तो ऐसे उसके कागज पत्र, क्या बोलते हैं उसको, कर्ज खत, उसको बोलते हैं इंग्लिश में एफिडेविट बोलते हैं, कर्ज खत यानी वो प्रूफ रहता है कि इतने इतने पैसे दिए है। तो उनका इतना सारे लोगों पे उन्होंने दिया था उनको लोन, उसके जो कागज पत्र थे कर्ज खत, तो वो एक पूरा घर भर गया था उनका, एक वाड़ा पूरा। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं कि मैं घर नहीं आऊंगा जब तक ये कर्ज खत घर पे, या तो कर्ज खत रहेंगे घर पे या मैं रहूंगा क्योंकि ये कर्ज खत जो है ये देख के मुझे लोगों पे दया आती है कि इतने सारे लोगों को पैसा भरना है, तो लोग कैसे भरेंगे इतना सारा पैसा, तो ये कर्ज खत जब नष्ट हो जाएंगे तभी मैं घर पे आऊंगा।
तो जो कानोबा उसको छोटा भाई रहता है, वो बोलता है कि क्या बोल रहे हैं आप, इतना सारा पैसा हम कैसे नष्ट करें। तो बोलते फिर मैं नहीं घर पे आऊँगा। तो फिर वो बोलते ठीक है। तो वो लाते हैं सब बैलगाड़ी में भर के। तो कितने बैलगाड़ी, 25 बैलगाड़ी भर के कर्ज करते, 65 लाख अब उस समय के, उतना सारा उनको कर्ज दिया था उन्होंने। तो सारा वो बोलते हैं कि वो इंद्रायणी में डुबा दो। तो सारा वो सब कर्ज कर इंद्रायणी में डुबा देते हैं उनके सामने, और जा जाके उसको पूरा डुबा के भिगो के उसको ये करते तुकाराम महाराज। तो उनको ये आशा नहीं थी कि हाँ इतना सारा पैसा मिलेगा। तो सब वो उन्होंने डुबा दिया कर्ज कर जो थे। फिर एक बार तुकाराम महाराज उनकी पत्नी क्या करते है, कुछ लोन लेके कुछ चिली यानी मिर्ची लाके तुकाराम महाराज को देती है, और बोलती है कि आप ये कोंकण में जाके वहाँ के वहाँ पे बेच के आ जाओ, कुछ पैसा मिलेगा, घर पे कुछ है ही नहीं, सब कर सकता आपने तो डूबा दी अपना संसार डूबला, तो कहीं तरी करा। तो वो देती है उनको चिली मिर्ची के 3-4 पोते भर के। फिर तुकाराम महाराज बोलते ठीक है, वो जाते कोंकण में व्यापार करने के लिए। लेकिन तुकाराम महाराज और व्यापार ये दो बहुत, और ऑक्सीमोरन एग्जैक्टली ऑपोजिट वर्ड्स। तो वहाँ पे जाके फिर वो खोलते हैं अपना दुकान ऐसे बाजार में, और फिर काफ़ी सारे लोग आते हैं देखने के लिए क्या मिर्च, तो क्या भावे पूछते हैं, बोलते हैं आपको क्या लगेगा वो दे दो, पे एज यू लाइक। तो वो फिर लेते हैं और बोलते हैं कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, बाद में दे देंगे। तो बोलते ठीक है, लेके जाते हैं। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा वो सब मिर्ची जो है वो गांव वाले लेके जाते हैं, लेकिन कोई भी पैसा देता नहीं। वो माफ करके लेते हैं लेकिन पैसा बोलते बाद में देंगे। तो बोलते हैं तुकाराम क्या येड़ा तू क्या है, ऐसे बोलते, वो उनको समझ नहीं वाला है पैसा बाद में देंगे नहीं देंगे। और तुकाराम ठीक है। और फिर एक पोता बचा रहता है बड़ा मिर्ची का, फिर एक उधर का एक डाकुओं का सरदार ऐसे एक उधर आता है और बोलता है कि तुकाराम ये मेरा पूरा पोता चाहिए मुझे, और मैं पैसा बाद में दूंगा। बोलता पूरा पोता, थोड़ा सा लेके जाओ। नहीं नहीं मुझे पूरा चाहिए। बोलता है ठीक है लेके जाओ, लेकिन पोता वापस दे देना। और ठीक है। तो फिर वो लेके जाते हैं पूरा पोता सैक भर के, और फिर ऐसा करके सब लोग लेके जाते, एक भी व्यक्ति पैसा नहीं देता। तो फिर ये सोच के जो भगवान है उनको चिंता होती है, अरे ये जब जाएगा फिर से घर पे तो आवड़ी क्या हाल करेंगे, वो मिर्ची जैसी हो जाएंगे मिर्ची। तो तुकाराम भगवान खुद साक्षात उधर आते हैं, प्रकट होते हैं एक शेतकरी के रूप में, और वो जाके गांव-गांव में जाके जिस जिस व्यक्ति ने ये लेके गए हैं तुकाराम महाराज से मिर्ची, उनके घर पे जाके ठक ठक करते हैं, बोलते मैं तुकाराम महाराज का आदमी हूँ, उन्होंने भेजा है पैसा कलेक्ट करने के लिए, आपने बोला ना पैसा देंगे, तो अभी पैसा मेरे पास दे दो, मैं जाके उनको देता हूँ। बोले कौन क्या, हमने कुछ लिया नहीं। बोले मुझे पता है तुमने लिया है तुकाराम महाराज से मिर्ची। तो बोलते ठीक है, कितना मिर्ची लिया है आप बताओ, हम फिर पैसा देंगे। तो भगवान को पता है एग्जैक्ट कितना किलो मिर्ची लिया है। बोलता है इतना लिया है, 1.5 किलो मिर्ची, 1.5 किलो एग्जैक्ट वही है। तो फिर वो पैसा देते धीरे धीरे सबके घर पे जाके पैसा कलेक्ट करते हैं, हफ्ता वसूली करते भगवान तुकाराम महाराज के लिए। और फिर बाद में वो डाकू उसके घर पे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि पैसा जल्दी से दे दो, तुकाराम महाराज को देना है। तो बोलता है कौन सा पैसा, तुमने मिर्ची का पूरा पोता लिया है। बोलता है मैं नहीं दूंगा पैसा, क्या करने का। तो बहुत देर तक बहस होती है, फिर वो पैसा ही नहीं देने के लिए तैयार होता। तो ये जो विठोबा उसका नाम, बोलता वो बोलते मैं विठोबा हूँ तुकाराम महाराज का आदमी। बोलते अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो मैं इधर ही तुम्हारे घर में आत्महत्या करूँगा। तो तुरंत वो क्या करते, रस्सी वगैरह फैन नहीं जो भी वो था उसको ऊपर लगा के रस्सी बांध के वो आत्महत्या करने के लिए रेडी हो जाते हैं विठोबा भगवान। गॉड इज रेडी टू कमिट सुसाइड। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना कोई, कैन गॉड कमिट सुसाइड, तो ही कैन बट फॉर हिज डिवोटीज। तो
फिर वो व्यक्ति थोड़ा डर जाता है, अरे अपने घर में आत्महत्या हो गई तो क्या होगा, और सब बाकी के लोग भी आके उसको बोलते हैं अरे दे दो पैसा, क्यों फालतू क्या करते हो, तुमने लिया है ना, तो फिर वो कैसे तो भी पैसा दे देते। फिर वो जो विठोबा है भगवान खुद, फिर उस गांव के सरपंच का रूप धारण करते हैं और फिर तुकाराम महाराज के पास आते और बोलते हैं ये तुम्हारा पैसा। कौन सा पैसा, क्या है? तो बोलते हैं कि ये जो आपसे लोग सब लेके गए थे ये मिर्ची, उसका पैसा है। बोलते वो तो मैं उसकी अपेक्षा नहीं कर रहा था कि वो पैसा देंगे करके, मिर्ची तो मैंने ऐसे ही दे दिया। वो गुस्सा होते, तुम हमको क्या भिखारी समझेगा, हमारा गांव बहुत अच्छा गांव है, हम पैसा देते हैं जो भी लेते हैं तो, हम सब क्या भिखारी नहीं है, हमारा गांव अच्छा है, तो सबने जितना जितना लिया है उन्होंने पैसा भेजा है आपके लिए। तो फिर वो तुकाराम महाराज को पैसा देते, तो तुकाराम महाराज ले लेते हैं, 200 रुपये होते और उसमें से थोड़े वो 10 रुपये उनको देते, बोलते कि थोड़ा राइस वगैरह लेके आ जाओ कुकिंग करने के लिए। फिर वो विठोबा भगवान खुद जाके वो राइस वगैरह लेते, फिर तुकाराम महाराज कुकिंग करते हैं और दोनों खाते हैं। फिर आते वक्त फिर से उनको एक व्यक्ति मिलता है एक गाँव में, जो उसने उधर के जो साहूकार उसका कुछ पैसा लिया होता है और वो पैसा फिर से दे नहीं पाता, तो पूरे गांव में वो एक्चुअली उसको भीख मांगना पड़ता है, उसके गले में नांगर बांधता है वो साहूकार और उसको भिक्षा मांगना पड़ता है उसके पैसे लौटाने के लिए। तो ये दृश्य तुकाराम महाराज देखते हैं और बोलते हैं ऐसे तुम ये नांगर बांध के सबसे भीख क्यों मांग रहे हैं? तो बोलते हैं कि मैंने साहूकार से इतना पैसा लिया था और वो देना है, उसने पूरा दिया नहीं, मैंने वो साहूकार ने मेरे गले में बांधा है तब तक जब तक मैं उसका पूरा पैसा नहीं देता, तो मैं भीख मांगता हूँ हर रोज़ इधर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करता हूँ। तो बोले कितना पैसा है? तो वो 200 रुपये, तो एग्जैक्ट तुकाराम महाराज के उतना 200 रुपये रहते हैं। तो तुकाराम महाराज जितना वो उधर से वो बेच के लाए वो पूरा उसको दे देते, ये ले लो और तुम्हारा वो नांगर निकाल दो और साहूकार को दे दो, और फिर इतना खुश हो जाते हैं तुकाराम महाराज। और वैसे आते घर पे, सोचे अवळी अवळी ने क्या किया रहेगा तुकाराम महाराज के साथ। लेकिन ऐसे तुकाराम महाराज क्या है, अवधूत रहते हैं, वो सोचते नहीं, भगवान उनके देने की कोशिश करते हैं और वो दूसरों को देने की कोशिश करते हैं, तो दोनों का कॉम्पिटिशन रहता है, भगवान उनको ज़्यादा से ज़्यादा देते और तुकाराम महाराज उससे ज़्यादा दूसरों को दे देते और उसमें तुकाराम महाराज जीत जाते। हम देखते ना वो भी मूवी में, वो इतना सारा धान्य आता है वो ऐसे लोगों को दे देते। तो और ये और एक लीला, तुकाराम महाराज गिव्स ओनली सारी इन चैरिटी। तो एक बार तुकाराम महाराज और घर पे ही रहते हैं, जब करते हैं, तो तभी उनकी पत्नी घर में जो बाथरूम में नहा रही थी और उनको जाना था किसी के शादी पे, तो वो तैयार हो रही थी, तो उसने जो उनका जो साड़ी था एक ही साड़ी वो बाथरूम पे लटकाया था और अंदर नहा रही थी उनकी पत्नी। तो तभी एक उधर एक स्त्री आती, बूढ़ी स्त्री, और तुकाराम महाराज से मांगती भिक्षा कि मुझे एक साड़ी चाहिए, साड़ी नहीं है मेरे पास। तो तुकाराम महाराज ढूंढते इधर उधर, तो उनके पत्नी के पास एक ही साड़ी रहता है वो जो पहनती है, और उधर देखते हैं कि बाथरूम के ऊपर एक साड़ी लटका है, तो वो साड़ी लेके वो स्त्री को दे देते एक ही साड़ी। और जब ये उनकी पत्नी देख जा रही है साड़ी कहाँ चल गया, तो तभी उनको पता चलता है ये इसी व्यक्ति ने किया रहेगा, तू क्या। और वो तुकाराम महाराज वहाँ से चले जाते हैं फिर, वो तो बुक में लिखा है। तो वो सोचती है जैसे एक बिच्छू डंक मार के कैसे भाग जाता है, वैसे तुकाराम महाराज ये चीज़ करके इधर साड़ी दे के भाग गया। तो अभी वो बोलती है कि ये क्या करूँ, ये काड़ा बिठ्या, इसके वजह से ही तुकाराम महाराज पागल हो गया, वो भी पागल, ये भी पागल, और मुझे भी पागल कर रहे हैं। तो बहुत गाली देती है भगवान को। और लेकिन तभी जब तुकाराम महाराज और उनके परिवार पे कुछ संकट आते हैं तो भगवान साक्षात आते हैं। तो उधर भगवान क्या करते हैं, उनका जो पीताम्बर वस्त्र है सोनेरी गोल्डन, वो उधर लटका देते और फिर आवड़ी देखते, अरे वाह एक पुरानी साड़ी के जगह पे इतना बढ़िया वस्त्र आ गए, बोलते माझी मंगलाईची कृपा है। और फिर वो साड़ी लेके वो पहन लेती है, और जब बाकी के स्त्रियाँ उधर से जाते हैं और बोलती है आना है कि नहीं तुमको शादी में विवाह में, तो वो तुरंत रेडी होके इतनी बढ़िया साड़ी पहन के जाती है, तो सब देखने लगते हैं अरे इतना बढ़िया साड़ी कैसे, तुकाराम महाराज तो हमें लगा बहुत गरीब है लेकिन बहुत पैसा ही लगता है तुम्हारे पास, इतना बढ़िया साड़ी पहन के फिर आवड़ी जाती है शादी में। तो तुकाराम महाराज फिर
उनके जो तीन पुत्रियाँ थी, तीन कन्या और दो बेटे थे तुकाराम महाराज, तो जब वो विवाह के एज में आए तो तभी उनकी पत्नी बोली कि इनका विवाह करना है कि नहीं, तुम हमेशा वो विट्ठल के पीछे भागते हो, इनका विवाह वगैरह करना है कि नहीं, तो इनका विवाह जल्दी से कर दो। तो तुकाराम महाराज एकदम सीरियसली लेते हैं, जल्दी ठीक है, उधर से उठते हैं, बाहर चले जाते हैं, बाहर बच्चे खेल रहे थे उधर, तो तीन बच्चों को पकड़ के लाते हैं और बोलते हैं ये लाए, वर लाए उनके लिए। अवड़ी को इतना जल्दी एक्सपेक्टेशन नहीं था, ये तो जल्दी बोले तो बाहर जाके तीन बच्चों को कौन से भी बच्चे पकड़ के लाए और बोले इनका विवाह लगा देंगे, और फिर उनका विवाह वगैरह लगा देते थे। और फिर बाद में ये बच्चों के माता पिता को पता चलता है कि अरे ऐसे इनका विवाह भी हो गया हमें बिना बताए तुकाराम महाराज ने, लेकिन वो गुस्सा नहीं होते, वो आके फिर वो खुश होते हैं कि तुकाराम महाराज जैसे साधु व्यक्ति के घर पे यानी हमारा संबंध जुड़ रहा है, तो वो खुश होते हैं उस विवाह से। तो तुकाराम महाराज सोचते नहीं कि ये किस कास्ट से है, इसका क्या बायोडेटा है, कितना सैलरी है या कितना एज है, और डायरेक्ट जाके उन्हें लाके उनका विवाह कर दिया तुरंत। और एक बार जो कुछ गांव के उस देहू गांव में कुछ कुछ ऐसे डाकू लोग थे, डाकू यानी कुछ मिस्चीवस लोग, तो तुकाराम से बहुत घृणा करते थे। तो उन्होंने एक बार क्या किया, तुकाराम महाराज को गधे पे बिठाया उनका अपमान करने के लिए, और पूरे गांव में उनका उदिंडी बोले कि उनका मिरौनुक किया। तो तुकाराम महाराज को गधे पे बिठा के उनका पूरा शेवड़ किया, हेड टक्कल बना दिया, और एक जो सब्जी वगैरह रहता है उसका गार्लैंड पहना दिया उनको, खराब जो सब्जी वगैरह हैं टमाटो कांदे बटाटे सगड़े तो डाल के उनको गार्लैंड पहनाया, उनको गधे पे बिठाया, शेव किया, और उनका मिरौनुक निकाला पूरा पूरे गांव में। तो तुकाराम महाराज अपना जप कर रहे थे, उन्होंने कुछ प्रतिकार नहीं किया। फिर पूरा गांव में मिरौनुक होने के बाद फिर घर पे आए तो उनकी पत्नी रो रही थी, उनके बच्चे भी रो रहे थे, बोल रहे थे क्या हो रहा है, ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है इन पे। और फिर तुकाराम महाराज उतरे वो गधे पे से और फिर घर आए तो उनकी पत्नी बोली देखो तुम ये विट्ठल का भजन कर रहे हो और तुम्हें क्या मिल रहा है। तुकाराम महाराज बोले क्या है, देखो जब हमारा शादी हुआ था तो हमारा मिरौनुक हुआ नहीं गांव में, गांव में मिरौनुक होता है, तो वो भगवान ने अरेंज कर दिया, वो हो गया, और मेरे सर में बहुत क्या हो डैंड्रफ हो गया, कोंडा झाला होता धोखे मधे, और इसलिए वो शेव करने से क्या हो गया, कोंडा निकल गया फ्री में। और हमारे घर पे कुछ सब्जी वगैरह नहीं था बहुत दिनों से, ये सब्जी इतना मिला है इसका सब्जी बना दो अभी, तो इसमें क्या है रोने की जरूरत नहीं तो ऐसे थे अवधूत तुकाराम महाराज, हम ऐसे नहीं कर सकते। और फिर एक बार जो अवड़ी वो जैसे तुकाराम महाराज डेली क्या घर से दूध लेके जाते थे और भगवान को दूध अर्पण करते थे, तो एक बार अवड़ी बोली कि तुम हर रोज लेके जाते हो दूध, क्या भगवान सच में पीते हैं क्या, मुझे देखना है। तो वो अवड़ी बोलती मैं लेके जाती हूँ आज, तो वो गर्म दूध लेके जाती है अवड़ी, और जाके भगवान वहाँ पे रहते उनको डायरेक्ट ऐसे मुंह में लगाती गर्म दूध, तो भगवान वो थोड़ा लगता है उनको और ऐसे साइड में मुड़ जाते ऐसे साइड में देखते हैं, तो क्योंकि इतना सारा गर्म रहता है उनको जल जाता है उनके ओठ, तो फिर अवड़ी देखती है ऐसे, फिर घर आ जाती है, उसको लगता है कुछ तो गलत हो गया। फिर बाद में तुकाराम महाराज को भगवान आके बोलते हैं अरे तुम कितने आलसी हो, हर रोज आते हो और आज क्यों नहीं आए, ये तुम्हारे आवड़ी ने मुझे इतना गर्म दूध पिलाया मेरे ओट जल गए, आके देखो। फिर तुकाराम महाराज देखते हैं तो उनको रोना आता है, फिर भगवान का गुणगान करते हैं अभंग गाते हैं, तो धीरे धीरे वो सूजन कम होती है, लेकिन जो भगवान एक साइड थोड़ा देख रहे हैं वो अभी भी वैसे ही है। तो अभी आप थोड़ा उधर नज़दीक जाके आप जाएंगे ना उधर, तो भगवान एक साइड पे ऐसा थोड़ा मुड़े हुए हैं, वो अभी भी आप देख सकते हैं वहाँ पे। और ये है तुकाराम महाराज एक बार
शौच करने के लिए जा रहे थे सुबह, तभी जो रामेश्वर शास्त्री वहाँ पे आ जाते हैं और तुकाराम महाराज अपना विट्ठल 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 भगवान का नाम लेते जा रहे हैं। तभी ये रामेश्वर शास्त्री, जो कि बहुत ही घृणा करता है तुकाराम महाराज से, वो बोलता है, अरे तुम्हें कुछ लज्जा है क्या? नहीं, इतने गंदे स्थान पे आप जा रहे हैं शौच करने के लिए और आप भगवान का नाम ले रहे हैं, इतना शुद्ध पवित्र नाम है, तो तुम्हें कुछ तो लज्जा आनी चाहिए, इधर नाम ले नहीं लेना चाहिए भगवान का। तुकाराम महाराज बोलते कि आप सही बोल रहे हैं, इस शुद्ध जगह पे, इस अशुद्ध जगह पे भगवान का शुद्ध नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरे जो जीवा है वो सतत भगवान का नाम लेती है, वो रुकती नहीं, मैं क्या करूँ? रामेश्वर शास्त्री बोलते, ऐसा है क्या? बताओ तुम्हारी जिह्वा कहाँ है? तो जब ऐसे जिह्वा निकालते हैं तो वो उनकी जिह्वा पकड़ लेता है रामेश्वर शास्त्री और बोलता है, अभी बोलो विट्ठल विट्ठल। तुम बोलते कि जिह्वा बहुत नाम ले रही है, अभी कैसे नाम लेगी? तो उस समय जो तुकाराम महाराज के हर एक रोम रोम से क्या निकलता है? विट्ठल विट्ठल। और जब वो रामेश्वर शास्त्री सुनता है तो तुरंत दंडवत कर लेता है तुकाराम महाराज को। ऐसे काफ़ी सारे पास टाइम्स है, ऑफकोर्स समय नहीं है। तो ये जो तुकाराम महाराज वैकुंठ जाते हैं आज के दिन, वैकुंठ गमन, तो एक दिन पहले ही तुकाराम महाराज के सपने में भगवान आते हैं। ये सब वो बुक में है, वृंदावन प्रभु के, बहुत अच्छे से दिया है डिटेल में। तो भगवान बोलते हैं, मैं कल आने वाला हूँ, आप इस स्थान पे आज पूरे रात कीर्तन करो, कल सुबह मैं आपको लेने आऊँगा। तो तुकाराम महाराज पूरे रात भर उधर कीर्तन करते हैं नेक्स्ट दिन तक, और काफ़ी सारे लोग आते हैं और तुकाराम महाराज बोलते हैं, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ आज। तो ये वैकुंठ जाना है ना, क्योंकि लोगों को पता रहता है तुकाराम महाराज कभी लोहगांव जाते थे, चाकण जाते थे, अलग अलग जगह पे जाते थे, तो लोग पूछते थे कहाँ जा रहे थे, वो वैकुंठ जा रहे हो, ऐसे नहीं बोलते मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, कहीं पे भी जा रहा हूँ तो वैकुंठ जा रहा हूँ। तो इसलिए लोगों को लगा आज भी वो ऐसे ही बोल रहे, कहीं पे तो जाएंगे इधर ही पुणे में इधर उधर, तो बोले नहीं मैं आज वैकुंठ जाने वाला हूँ, फिर से नहीं आने वाला, मैं आज वैकुंठ जाने वाला। तो लोगों ने सीरियसली लिया नहीं, और फिर आवड़ी को भी बोला उन्होंने कि मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, आवड़ी को भी लगा जाने तो जाऊ नहीं, जा आणि परत या, आम्ही सगळे थांबलोय तुमच्यासाठी। तो उसको भी लगा कि ऐसे ही जाएंगे, फिर से आ जाएंगे। तो तुकाराम महाराज को पता है, तो फिर उधर कीर्तन होता है बढ़िया जोरदार, और फिर तभी जो वैकुंठ से वो विमान आता है और वो इतना तेजस्वी होता है कि लोगों का लोग आग बंद कर लेते हैं। तो तभी तुकाराम महाराज उस पर बैठ जाते हैं और विमान जाने लगता है। तो थोड़ा सा ग्लिम्स मिला लोगों को, इतना पूरा देख नहीं पाए क्योंकि वो इतना प्रकाश था, और वो पेड़ जहाँ पे, वो भी पेड़ है, उसने भी वो साक्षात उसका दर्शन किया। तो फिर बाद में तुकाराम महाराज को जाते हुए सब लोगों ने देखा, कीर्तन किया, तो लोगों को लगा कि शायद तुकाराम महाराज फिर से आएंगे। तो लोग शाम तक थे, 12 बजे हो गए, लेकिन शाम तक वो रहा देख रहे थे कि तुकाराम महाराज फिर से आएंगे आएंगे, लेकिन जब रात होने लगा उनको पता चल गया कि तुकाराम महाराज फिर से नहीं आने वाले। और जब आवड़ी को भी जब पता चला तब वो भागते भागते हुए आ जाती है और वो बोलती है, फिर पश्चाताप करने लगती कि मुझे लगा कि वो फिर से आएंगे लेकिन वो चले गए परमानेंटली, मुझे ही जाना था, ऐसे आवड़ी बोलती है। तो ऐसे तुकाराम महाराज फिर वैकुंठ चले जाते हैं और फिर से नहीं आते। तो आज वो दिन है और ये वो पेड़ जहाँ पे वो आज भी वो पेड़, जो सेम पेड़ है जो उसका साक्षी है, और वो हिलता है ऐसे कहते हैं। एग्जैक्ट 12 o'clock 12 बजे वैकुंठ गमन हुआ था। तो ऐसे जो तुकाराम महाराज है, जो एक अवधूत की तरह, वो भी एक अवधूत थे। तो अलग अलग एग्जाम्पल से हमने देखा कि क्या कौन होता है अवधूत और उनके क्या लक्षण होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तुकाराम महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। हरे कृष्ण।